अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है आपके? दोस्तों हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी बबलू कुमार की कि उस्ताद जी खुलत के बारे में बताओ, खुलत किस तरह से होती है। तो आज हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से देखना है। अगर कोई भी खेल मिस हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगी, कबूतर उड़ जाएगा, भाग सकता है कबूतर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए, सारी बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। मामला है खुलत का। तो सबसे पहले आपने कबूतर लेके आने हैं, वो कबूतर जो लड़ते भिड़ते हुए हो, क्योंकि आप लड़ाने भिड़ाने के लिए ना रहे हैं तो लड़ते भिड़ते हुए ही कबूतर हो। और आपने करना क्या है, आपने उनके पर नहीं बांधने हैं और ऐसे ही उनको छोड़ देना है अंदर। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मेरे अपने गर्दान कबूतर हैं, नए तो है नहीं मेरे पास, पट्टे हैं और गर्दान कबूतर हैं, लेकिन आप ये समझ लिए कि ये नए कबूतर हैं। तो इन्हें लाके इसी तरह छोड़ देना है, पर नहीं बांधने, क्योंकि दोस्तों कबूतर के अगर पर बन जाते हैं दूसरी जगह से लाके तो वो बहुत मान करता है और वो सोचता है कि पता नहीं मैंने किस परेशानी में आ गया। इस वजह से आपको उसको परेशान नहीं करना बिल्कुल भी, पर नहीं बांधने और लाकर ऐसे छोड़ देना है। अब हम उसका तरीका बताएंगे खुलना कैसे है, आपको जाल से बाहर कैसे निकालना है। और ये 3 दिन का खुलत का खेल है। कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं, दोस्ता जी 1 दिन में खुल जाए, 2 घंटे में खुल जाए, तो हम ऐसा खेल आपको नहीं बता सकते क्योंकि उस्ताद के पास भी कुछ होना चाहिए। उस्ताद के पास भी कुछ होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस्ताद के सामने खड़े हो जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि आपको हम ऐसे खेल बताएं कि जो आप उस्ताद के सामने खड़े हो जाएं, उस्ताद तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये 3 दिन का खुलत का खेल है और जिस भी पार्टी से आप कबूतर लेके आए हैं उस पार्टी से आपने ये पूछना है कि आप दाना कितना देते थे, क्योंकि उसी दाने के हिसाब से आपको उड़ाना है, वही दाना देना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले ये मिस्री है, 100 कबूतरों में तकरीबन 100 ग्राम मिस्री लेनी, 100 कबूतरों में 100 ग्राम, अगर 50 हैं तो 50 ग्राम ले लें, 25 हैं तो 25 ग्राम ले लें, 1 ग्राम 1 कबूतर के हिसाब से ये मिस्री है। इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के 100 ग्राम मिस्री में 50 ग्राम पानी डाल के इसको खौला लेना। जब ये मिल जाएगी, इसका किमाम बन जाएगा, तो इस बाजरे में जो बाजरा आपने देना है इस बाजरे में वो पानी डाल देना, अच्छी तरह मिला लेना, मिक्स कर लेना। उससे क्या होगा, ये बाजरा आपका मीठा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। तो हमें करना यह है कि जो मिश्री मिला हुआ बाजरा था वो हमें खिला देना है यहाँ पे। आओ बेटा आओ, ये मिश्री लगा हुआ बाजरा हमें खिला देना है, जितने भी कबूतर लेकर आए हैं आप उसके हिसाब से, चाहे आपका दाना 12 ग्राम है या 15 ग्राम है, जितना भी आपको डालना है, जो भी सेट हुआ हुआ है दाना, जहाँ से कबूतर लाए थे उससे पूछ लेना कितना दाना खिलाते हैं, उसी हिसाब से दाना डाल देना। तो ये मिश्री मिला हुआ दाना
आपने डाल दिया और दाना पूरा डालना दोस्तों, कम मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कबूतर को ये एहसास ना हो बिल्कुल भी कि मैं दूसरी जगह आया हूँ, तो वो भूखा रह जाए या कोई परेशानी हो उसके साथ। अब जब ये दाना पूरा चुग लेंगे तो आपको पानी कौन सा देना है पहले दिन, ये भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों हमने दाना खिला दिया है कबूतरों को, अब पानी कौन सा रखना है। पानी हमें एक तो ये तेज पत्ता होता है, इसे तेज पात बोलते हैं, ये किसी भी पंसारी का मिल जाएगा। इसके 100 कबूतरों में 4 से 5 पत्ते ले लेने हैं। और ये है अजवाइन, ये अजवाइन होती है, इसको भी तकरीबन आधा टीस्पून ले लेना है, आधा चमचा। इन दोनों को इसे पीस लेना है, बारीक कर लेना पीस के, इसको ऐसे डाल देना पानी के अंदर। एक गिलास पानी में आप इसको खौला लेंगे अच्छी तरह। जब एक गिलास पानी आधा गिलास रह जाए तो वो आप उतार लेना, और उतार के वो पानी जो आपने खोलाया था अजवाइन और तेज पत्ते का, वो पानी इसमें मिला लेना है पानी के अंदर। और ये पानी उठा के फिर अपने कबूतरों को रख देना है। अब दूसरे दिन आपने बिल्कुल सादा दाना डालना है, सादा बाजरा। इसके साथ चाहे तो थोड़े से चने भी डाल लेना, बिल्कुल सादा दाना डालना है। और दाना आपने पूरा ही देना है, कम नहीं देना दाना बिल्कुल भी। जितना भी आप डालते हो 12 ग्राम या 15 ग्राम, या कबूतर आपके पटियाले हैं 18 ग्राम डालते हो, और दाना पूरा ही देना दोस्तों, दाना कम नहीं करना बिल्कुल भी। अब दूसरे दिन दाना खिलाने के बाद आपने क्या करना है, कौन सा पानी देना है, यह है गुड़। 100 कबूतरों में आपने 50 ग्राम गुड़ लेना है, ये आ गया। और तकरीबन 5 ग्राम के करीब सौंठ लेनी है, इसको सौंठ को अच्छी तरह कूट लेना है, बहुत अच्छी तरह कूट लेना इसको, जो ये आसानी से उबल जाए, ये तो घुल ही जाता है पानी के अंदर। तो इसका भी ये दोस्तों इसी तरह करना है, एक गिलास पानी में पतीले में रख के खौलाना, जब आधा पानी रह जाए तो उसको उठा के कूनी में डालना है दूसरे दिन दाना देने के बाद। तो दोस्तों तीसरे दिन फिर आपने दाना देना है। अब इस दाने में मिलाना क्या है आपको, ये भी हम बताते हैं। यह है मिश्री, 50 ग्राम मिश्री को आप 50 ग्राम ही पानी के अंदर घोल लेनी है। जब ये घुल जाएगी, पानी गाढ़ा हो जाएगा, इसी मिश्री को आपने इस बाजरे के अंदर मिक्स कर देना अच्छी तरह से, डाल के इस तरह से मिक्स कर देना। अब ये हो जाएगा मीठा बाजरा, ठीक है। अब दोस्तों शाम को अंधेरा होने से 10 मिनट पहले आपने मीठे बाजरे का छिड़काव करना है, चक्की देनी हल्की हल्की जाल के अंदर ही। ओ बेटा ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। ये हल्की सी चक्की देके आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाल खोलना है और चक्की देते रहना है मीठे दाने की। और फिर इस डिब्बे को आराम से बाहर लेके आना। आओ बेटा, आओ। अंधेरा होने से सिर्फ 5-10 मिनट पहले आओ बेटा, आओ आओ। फिर अंदर को डालना बाजरा, फिर अंदर को डालना बाजरा, आओ। फिर जरा सा बाहर को डालना बाजरा, आ बेटा, आओ 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 आओ। फिर अंदर को डालना बाजरा,
आओ बेटा आओ आओ आओ, अगर कोई ऊपर भी चले जाए तो नीचे फौरन नीचे चक्की डाल देना। अब एक मुट्ठी भर के डाल देनी है अंदर को, थोड़ा सा नीचे भी, ऊपर पहुंच जाते हैं कबूतर। आओ आओ बेटा आओ आओ, या आपने तीसरे दिन खुलास हो गई इनकी। तीसरे दिन का पानी देके आपने इन्हें बंद कर देना है। चौथे दिन अंदर जाना है, फिर ऐसे छिड़काव करना है मीठे बाजरे का, उसी तरह से मिश्री घोल के मिलानी है इसके अंदर बाजरे में। चौथे दिन भी मिश्री घोल के मिलानी बाजरे में। चीनी मत मिलाना, गुड़ मत मिलाना, सिर्फ मिश्री बाजरे के अंदर। अब फिर उनको आस्ते आस्ते बाहर ले जाना है। आओ बेटा आओ 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 फिर इस तरह से कुछ देर बाहर रोकना है, कुछ देर छिड़काव करते रहना है दाने का, दाने का छिड़काव करते रहना। कुछ देर रोकना है बाहर, कुछ देर रोकने के बाद जब इनका दाना खत्म होने लगे तो आपने फिर इन्हें अंदर कर देना। आओ फिर पूरा दाना दे देना, बंद कर देना आने। दोस्तों अब आता पांचवा दिन हल्का सा छिड़काव देके फिर बाहर को ले आना, बाहर छिड़काव देना हल्का सा। अब बेटा आजा आजा ओ, ओ, अब थोड़ा सा ज्यादा बाजरा डालेंगे अंधेरा होने से 10 मिनट पहले। अब हमें लेना है ऊपर नीचे। आओ बेटा आ, कुछ चले जाएंगे कुछ नीचे आ जाएंगे। आओ बेटा आओ आओ आओ, शाम होने से 10 मिनट पहले ये काम करना आपको अंधेरा होने से। आओ फिर नीचे 10-12 बार नीचे ऊपर। आओ 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 आओ। तो दोस्तों आज है छठा दिन। छठा दिन हमें इसी तरह जाल से बाहर निकालना है और बाजरे के अंदर हमें वही 50 ग्राम मिश्री पीसकर उबाल कर इसमें मिला लेनी है बाजरे में छठे दिन। तो ये मिश्री मिला हुआ बाजरा हमें इस्तेमाल करना है छठे दिन। जाल को खोलना है आस्ते से और अंदर सीटा मारना हल्का से, ये सीटा मार दिया मीठा आ जाएगा। उसके बाद जो आग खोल के पूरे कबूतर बाहर बाहर सीटा। ओ ओ ओ ओ, उसके बाद ऊपर नीचे। हा अब उसको ऊपर नीचे करते हैं 20-25 बार। हा अब ये 20-25 बार ऊपर नीचे करने के बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बाजरा डालना ऊपर। ओ 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 ओ। अब क्या करना है, जरा सा झटका देना है। ओ 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 बेटा, ओ ओ ओ दोस्तों, इनमें चटक यूं है कि ये मेरे गर्दन कबूतर हैं। मैं आपको एक नाटकीय रूप करके दिखा रहा हूं। अगर ये नए कबूतर होते, वाकई में बहुत टूटे हुए होते। इनकी हिम्मत भी नहीं होती उठने की। ये इसलिए उठ गए कि ये मेरे लड़ते हुए फिरते हुए पट्ठे और बड़े कबूतर हैं। तो ये एक नाटकीय रूप है जो मैं आपको बता रहा हूं। तावन को आधे दे, उसके बाद फिर ऊपर डालेंगे बाजरा। ओ फिर उठा देंगे, फिर बुलाएंगे। ओ ओ आधा ही तावा देना है। ओ ओ ओ ओ ये मेरे गर्दान है ना, तो इसलिए ये भाग रहे हैं। और ना ही मैंने इनको कोई खेल दिया जो मैंने बताया आपको। ये सिर्फ मैंने नाटक करके दिखाया है। कबूतर मेरे पास ये गर्दान है, आप खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे और आपके कबूतर में जान नहीं होगी बिल्कुल भी। वो छत पर से उठने को सोचेगा भी नहीं। ओ ओ ओ तो ये थी खुलत। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और भी कुछ आप चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। खुदा हाफिज़।